ऑल राइट गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ऑटोडेस्क स्केचबुक का कुछ सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, जिसके मदद से आप लोग कुछ इस तरीके का एडिटिंग बहुत ही इजीली कर पाओगे। गाइस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो गाइस चलिए आज कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, नॉर्मल फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर शेयर कर लीजिए। मैं शेयर कर लेता हूँ एंड शेयर करने के बाद मैं आप लोगों को 5 ऐसे प्रो टिप्स बताऊंगा, जिसके मदद से आप लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर बहुत ही इजीली फोटो को एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस सबसे पहला जो टिप्स है गाइस, आप लोग कैसे बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे, इसके लिए गाइस आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों को नीचे स्वैप करना है, यहाँ पर आप लोगों को हार्ड इरेजर ब्रश मिल जाएगा, इसके अंदर प्रेस कीजिए एंड सेटिंग को ओपन कर लीजिए। गाइस सेटिंग को कुछ इस तरीके से रखना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करके आप लोगों को नीचे एक बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है आप लोगों को, इस आइकन के अंदर प्रेस करना है। अब आप लोग बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ईजिली बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। एंड बैकग्राउंड इरेज करने के बाद गाइस आप लोग अगर बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को फिर से इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इनपुट इमेज, और यहाँ से आप लोग गाइस किसी भी बैकग्राउंड को लगा सकते हो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैं एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। गाइस ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं सिलेक्ट कर लिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आप मैं इसको नीचे ले आऊँगा एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड को लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रिरेस करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, कितने इजी तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, आप लोग खुद ही देख लो गाइस। सो गाइस ये जो ट्रिक है बहुत ही ईजी है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे बैकग्राउंड को चेंज करना है। गाइस मैं पहले तरह कर लेता हूँ फोटो को, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड डिलीट करने के बाद मैं ये जो यहाँ पर जो मैं बैकग्राउंड को इरेज किया इसको मैं पहले तरह कर लेता हूँ। गाइस अगर आप लोग यहाँ पर फोटो का जो बैकग्राउंड कलर है इसे चेंज करना चाहते हो तो गाइस इसके लिए आप लोगों को जो यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन है इसके अंदर प्रेस करना है एंड एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। और बनाने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों को पहला नंबर जो यहाँ पर लेयर मिल जाएगा फोटो, इसके अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों को HSL वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और यहाँ से गाइस आप लोग कलर को चेंज कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फेस के अंदर भी इफेक्ट आ रहा है, इसका भी सोल्यूशन है गाइस, आप लोगों को सिंपली डन पर टैप कर लेना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को ब्रश वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और हार्ड इरेजर ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे का जो अमाउंट है इसको 95 रखना है और फेस से रिमूव कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं जल्दीबाजी में आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस इसको भी मैं बैक कर लेता हूँ एंड बैक करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोग कैसे फेस को स्मूथ कर सकते हो। इसके लिए गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और यहाँ से लाइब्रेरी को ओपन कीजिए और ऊपर स्वाइप करके आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्रश है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को सेटिंग को कुछ इस तरीके से रखना है और साइज को अपने मुताबिक से और कुछ इस तरीके से जूम करके आप लोग फेस के अंदर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही इजीली फेस स्मूथ हो जाएगा आपका, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फेस को स्मूथ कर रहा हूँ मैं एंड कितने इजी तरीके से फेस स्मूथ एंड HD में फोटो यहाँ पर स्मूथ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं स्मूथ कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोग कैसे ड्रेस के अंदर चमक दे सकते हो यानी कलर चेंज कर सकते हो ड्रेस का। इसके लिए गाइस आप लोगों को लेयर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड गाइस यहाँ से आप लोगों को प्लस वाले आइकन के अंदर प्रेस करना है और गाइस लेयर के अंदर प्रेस कीजिए और ब्लेंडिंग मोड को गाइस आप लोगों को सॉफ्ट लाइट कर देना है और करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रश को सिलेक्ट करना है आप लोगों को मीडियम ब्रश, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा मीडियम ब्रश और सेटिंग को ओपन कीजिए। सेटिंग को कुछ इस तरीके से रखना है आप लोगों को और उसके बाद गाइस आप लोगों को जूम करके शॉट के अंदर अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर आ रहा है, सिंपली मैं रेड कलर को यहाँ पर लिया था, ठीक है, इसलिए रेड कलर आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर और भी कलर दे सकते हो इसके लिए गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और गाइस यहाँ से आप लोगों को लेयर वाले ऑप्शन मिल जाएगा,
और HSL वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करके आप लोग किसी भी यहाँ पर कलर दे सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे करना है आप लोगों को, तभी जो अच्छा अप्लाई होने वाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने इजी तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया गाइस। इस टूल्स की मदद से आप लोग यहाँ पर चश्मे वगैरह पे भी चमक दे सकते हो गाइस। ये जो ट्रिक है आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है गाइस। इस फोटो को सेव कर लीजिए एंड आप लोग ऐसी फोटो को एडिटिंग कर पाओगे गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।